चलिए नजर डालते हैं न्यूज प्राइम 24 की खास खबरों पर। बिहार में लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमित मरीज, अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 481। नवादा जिले के रजौली में अपर समाहर्ता ओम प्रकाश ने शनिवार की शाम चीतरकोली चेक पोस्ट पर बने मेडिकल कैंप एवं प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए दो अस्थायी प्रतीक्षालय का किया निरीक्षण। नवादा जिले के रजौली पूर्वी पंचायत तकिया मोहल्ले के वार्ड नंबर 12 में दर्जनों बार मापी होने के बाद भी नहीं बनी नाली एवं PCC सड़क। वार्ड सदस्य के मनमानी, CM के साथ निश्चय के दावे को किया फेल। नवादा के सिरदला प्रखंड में 150 बेड का बना क्वारंटाइन सेंटर का SDO ने किया निरीक्षण। नवादा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल समेत 30 लीटर शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बिहार की मौजूदा AES एवं COVID-19 की स्थिति का लिया जायजा। विक्रम में जुआ राजद प्रखंड अध्यक्ष दिलीप कुमार यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रखा 2 घंटे का सांकेतिक उपवास। अरवल जिले के कुर्था में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विनय सिंह यादव शनिवार को कई जगहों पर किया मास्क का वितरण। अरवल के कुर्था में NDRF की टीम बैंक ATM सहित पूरे बाजार को किया सैनिटाइज। जमुई जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया, बिहार के सबसे ज्यादा संक्रमित मुंगेर जिला से सटे होने के कारण जमुई जिला में नहीं दी जाएगी विशेष ढील। NMCH अस्पताल में शनिवार को 10 कोरोना मरीजों ने जीती जंग, वहीं एक कोरोना संक्रमित मरीज की हुई मौत। पटना के दानापुर स्टेशन पर जयपुर से 1187 प्रवासी मजदूरों को लेकर आई श्रमिक स्पेशल ट्रेन, सभी को भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर। पटना नगर निगम कर्मचारियों को मेयर सीता साहू ने किया सम्मानित।